हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो देखते हैं किसी पेड़ के नीचे किसी भगवान की मूर्ति पड़ी है, कहीं माला पड़ा है, कहीं चुनरी पड़ी हुई है। हम सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। सब कुछ हमारे नज़रों के सामने होता है लेकिन हम कुछ नहीं करते। हम देखते रह जाते हैं और नज़र हटा के चले जाते हैं। जब भी गणेश पूजा का समय होता है तो हम गणेश भगवान को अपने घर पर लाते हैं, धूमधाम से पूजा करते हैं, मेहमान आते हैं, ऐसा लगता है कि शादी ब्याह का माहौल हो, सारे घर में खुशहाली छाई रहती है। फिर लास्ट समय में जब गणेश जी को डुबाना रहता है तो हम ऐसे जाते हैं, फेंक के चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कैसा लग रहा है, हमारी श्रद्धा ठेस पहुँच रही है, वैसे भी धीरे धीरे हमारी श्रद्धा खत्म होती जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, हम वो सब नहीं देखते। बाद में फिर हम घूमने जाते हैं तो देखते हैं भगवान कहीं रोड पर पड़े हैं, कहीं इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, हमें देख के बहुत बुरा लगता है, फिर भी हम अनदेखा कर देते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, बाद में मूर्ति पुरानी हो गई या टूट गई तो हम भगवान को ले आके किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी रख देते हैं, फिर हमारी श्रद्धा ठेस नहीं पहुंचती। भगवान को चप्पल लगता है या कुछ भी होता है, हमारी श्रद्धा खराब नहीं होती, क्या सही है? ऐसे ही मैंने नारायण मिथिला का एक आर्टिकल पढ़ा, अपने साथ हुई एक सच्ची घटना लिखी थी उन्होंने, बहुत अच्छी लिखी थी। उन्होंने लिखा कि मैं जॉब पे जा रहा था और मैं कुछ देखा जिससे कि मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उधर ही रुक गया। रास्ते पर रोड बन रहा था और रोड के किनारे भगवान की फ़ोटो, तस्वीर, चुनरी ऐसे ही पड़ी हुई थी। लोग बाइक से उसे कचर कर जा रहे थे। उसे देखने के बाद मैं जॉब पर नहीं गया, मैं सीधा घर आया और एक बोरी लेकर उस स्थान पर पहुँचा और किनारे बिखरे हुए सारे भगवान के फ़ोटो, चुनरी को मैंने एक बोरी में भर कर इकट्ठा कर लिया। तो फ्रेंड देखा आपने, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा शायद ही कोई करता है, ऐसा कोई नहीं करता। हम आते जाते देखते रहते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं, हम कभी ऐसा काम नहीं करते जो कि बिल्कुल गलत है, हमेशा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें भगवान के प्रिंट नहीं खरीदने चाहिए और ना ही हमें भगवान के कैलेंडर छपवाने चाहिए और ना छपे हुए खरीदने चाहिए, क्योंकि ये कैलेंडर कभी ना कभी पैर के नीचे या कचरे में आ जाते हैं। जब कोई फंक्शन होता है तो मिठाई के डब्बे पर, गिफ्ट पर, शादी के कार्ड पर या फंक्शन के कार्ड पर हम भगवान की फ़ोटो छपवाते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। काम हो जाने के बाद हम इनका अपमान खुद कर देते हैं, हर कोई इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फाड़ देता है या यूं ही फेंक देता है। नदी के तट पर भगवान की मूर्तियां, तस्वीरें या चुनरी यूं ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ यूज़ करना चाहिए। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो इको फ्रेंडली यूज़ कीजिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण और हमारे धर्म की दोनों के साथ साथ रक्षा हो, दोनों हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इस विषय पर आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि हम भगवान को दिल से मानते हैं तो हमें इनकी अच्छे से कद्र करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।